डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर WHO पर निशाना साधा है। ट्रंप ने WHO को चीन का पाइप ऑर्गन कहा है। जी हां, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से काम किया है उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि WHO चीन के इशारे पर काम करता है। आपको बता दें, कोरोना पर आज WHO की आपात बैठक भी होने वाली है जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दुनिया में कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुके अमेरिका में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुपर पावर देश में कोरोना 61,000 से ज्यादा जान ले चुका है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी नॉन सीरियस हैं। एक पत्रकार ने जब ट्रंप से टेस्टिंग को लेकर सवाल किया तो ट्रंप भड़क गए और फैक्ट चेक करने की बात कहने लगे। अमेरिका का कोरोना मीटर हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड घूम रहा है और उसकी रफ्तार को रोकना अमेरिका के बस में नहीं दिख रहा। सुपर पावर अमेरिका ने ऐसा संकट अपने इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। जो अमेरिका अपनी ताकत के बल पर पूरी दुनिया को आंख दिखाता था, अब वही अमेरिका एक वायरस के आगे घुटने टेक चुका है। रही सही कसर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी कर रहे हैं। कभी कोरोना पर मजाक करते हैं तो कभी रिपोर्टर पर भड़क जाते हैं। साउथ कोरिया में अमेरिका से 5 गुना ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये सही है, ये सही नहीं है। सही आंकड़े हमने बता दिए हैं। क्या अब आप इसके लिए माफी मांगेंगे? आप अपने फैक्ट सही कीजिए, आपके फैक्ट गलत हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,60,000 से ज्यादा है। अमेरिका में 24 घंटे में करीब 24,000 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से अब तक वहां 61,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और तो और, पिछले 24 घंटे में ही करीब 2,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। लेकिन 61,000 से ज्यादा मौत के बाद भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अमेरिका में बढ़ रहे मौत के आंकड़ों पर जब याहू के रिपोर्टर ने राष्ट्रपति ट्रंप से कोरोना टेस्टिंग पर सवाल किया तो वो भड़क गए। साउथ कोरिया में अमेरिका से 5 गुना ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये सही है, ये सही नहीं है। सही आंकड़े हमने बता दिए हैं। क्या अब आप इसके लिए माफी मांगेंगे? आप अपने फैक्ट सही कीजिए, आपके फैक्ट गलत हैं। दुनिया भर में कोरोना का एपिसेंटर बन चुके अमेरिका का हाल देखकर हर कोई सन्न है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि खुद इस देश के मुखिया के चेहरे पर न शिकन है और न ही कोई पछतावा। अमेरिका की हालत कितनी खराब है इन आंकड़ों के जरिए समझिए। न्यूयॉर्क में कोरोना के 3,00,000 से ज्यादा केस हैं। यहाँ 23,000 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं। न्यू जर्सी में 1,16,000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। करीब 6,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मैसाचुसेट्स में 60,000 से ज्यादा केस हैं। 3,500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इलिनॉइस स्टेट में कोरोना के 50,000 से ज्यादा केस हैं। यहाँ 2,215 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कैलिफोर्निया में अब तक 46,500 से ज्यादा केस हैं। यहाँ 1,873 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतनी मौत के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप फैक्ट चेक करने की बात करते हैं। वैसे कोरोना से सिर्फ अमेरिका ही बेहाल नहीं है, इस वायरस ने ब्रिटेन का भी दम निकाल दिया है। पिछले 24 घंटे ब्रिटेन पर बेहद भारी पड़े हैं। ब्रिटेन में कोरोना के 1,65,000 से ज्यादा केस हैं। यहाँ कोरोना 26,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में 4,400 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। ब्रिटेन में एक दिन में मृतकों का ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है। लेकिन ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने साफ किया है कि एक दिन के आंकड़े नहीं है। डोमिनिक रॉब ने बताया है कि ब्रिटेन के दूर दराज के कई ऐसे छोटे बड़े अस्पताल हैं जहां मार्च महीने से कोरोना से हो रही मौत के आंकड़ों को काउंट नहीं किया गया है।